नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर वन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। शहर के लिए प्रदूषण काल बन रहा है। हालात ये है कि गुरुग्राम गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है, एक ऐसे गैस चैम्बर में जहाँ सांस लेने का मतलब है धीमी मौत। हर बार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हालात ये है कि PM 2.5 की बात कर लें या PM 10 की बात कर लें, उनका स्तर खतरनाक स्तर से कहीं ज़्यादा पहुंच चुका है। और हालात ये है कि इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम विश्व के उन शहरों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और गुरुग्राम का नंबर 11वां आता है। और अगर देश की बात कर लें तो आज हालात ये है कि टॉप 5 में गुरुग्राम पहले नंबर पर है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एनवायरनमेंट एक्सपर्ट रुचिका जी है हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर इजहार गोरी है। हमारे साथ बीजेपी से रमन मलिक जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जी और हमारे साथ कांग्रेस से राजेश यादव जी। सबसे पहले रुचिका जी, जिस तरह के हालात गुरुग्राम में बन रहे हैं, ना केवल गुरुग्राम, पूरे NCR की बात करें, PM 2.0 का स्तर लगातार बढ़, जो प्रयास होने चाहिए जमीनी स्तर, कहाँ खामी है जिसकी वजह से आज भी जो हवा है वो जहरीली बनी है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी और पोल्यूशन क्राइम्स दिन ब दिन देख रहे हैं। देयर इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ इमरजेंसी। जो लोकल ट्रिगर्स हैं एयर पोल्यूशन की, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल विल के साथ काफ़ी हद तक उनका खात्मा हो सकता है। और ये नहीं है कि लॉज नहीं बनी हुई है, लॉज हैं, MOEFCC की लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, लेकिन वो हुई हैं और मॉनिटर तो खैर दूर की बात रही। लेकिन रोज़ाना हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन डस्ट है, अनपेव्ड रोड्स हैं, रोड्स इन डिसरिपेयर है, ओपन सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, कूड़ा जो जलाया जा रहा है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों या स्लम बस्तीज के पास हो, RWAs के खुद के हों, ये सब हवा को, आबो हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। और यही जो गर्भवती महिलाएं हैं ख़ास तौर से, उनके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, जो न्यूरो डेवलपमेंट होता है फीटस का, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ एमरजेंसी, अ हेल्थ एमरजेंसी, एंड टेक SOS एक्शंस। विल पावर की बात, कहीं ना कहीं वो जो विल पावर दिखनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर, उसमें कमी देखते हैं। और इसी वजह से 2016 में सबसे पहले ये स्थिति देखने को मिली, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें की गई कि नहीं अब हम जो है सुधार करेंगे, लेकिन वो सुधार ऐसा हुआ, आज भी हालात ऐसे। देखिए राज, जो सरकार है और जो प्रशासन है, इस बात में कोई शक नहीं है, अगर उनका विल पावर हो तो सारी सॉल्यूशंस का और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसके साथ साथ जो नागरिक हैं, हम भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ये सब एक इंटीग्रेटेड वे में काम हो तो मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी स्थिति क्या है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं और बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। जब तक सबके बीच में अवेयरनेस नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तब तक काम नहीं हो पाएगा, सुधार नहीं हो पाएगा। और सबसे अहम बात, इस जो सरकार का रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, इस पर बहुत फोकस करना होगा। अगर सरकार गठित होने के बाद, जब 4 साल पहले सरकार बनी थी और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था उसको अगर देखो, उसके मेंबर्स कब बदले आप, उनकी एक्टिविटी क्या थी, उनको कब रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया, आज जो पोल्यूशन बोर्ड है वो कितना रिव्यू कर रहे हैं आप इसको चेक कीजिए, वो भी नहीं। एक अहम बात ये भी है राज, कि गुड़गावा को नॉन पोल्यूशन जोन बताया जाता है, कि पोल्यूशन जितनी इंडस्ट्री है वो पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री है, उसके बाद भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। एक अहम बात जो डॉक्टर जो रुचिका जी ने उठाई थी, वो बहुत बड़ी बात है, कि जो CNT वेस्ट है वो बहुत बड़ा संकट है। अब कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है, गुड़गावा वो शहर है कि जहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है, भले ही प्रॉपर्टी मार्केट में आज मंदा हो, लेकिन रियल स्टेट नहीं बिक रहा हो, पर कंस्ट्रक्शन खूब हो रही है। पहले बड़े बड़े बिल्डर्स फ्लैट बनाया करते थे, आज फ्लोर्स बन रही हैं, हर कॉलोनियाँ बन रही है, उनका वेस्ट का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, क्या जब कंस्ट्रक्शन करेंगे उस साइड को कवर करके रखेंगे, कितना कवर हो रहा है, उसको कौन चेक कर रहा है? जो रोड साइड पर जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसको कौन खा रहे हैं? एजेंसी है लेकिन काम नहीं कर रही, काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कितना चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप शहर में कहीं भी निकल जाओ, आपको जगह जगह CNT वेस्ट पड़ा हुआ मिल जाएगा, वो ठीक नहीं हो रहा।
और जहाँ तक रवैया सरकार का है, मुझे नहीं लगता कि सरकार के लोग इतने आक्रामक ढंग से, चाहे पोल्यूशन बोर्ड की बात करो, चाहे नागरिकों की बात करो, चाहे निगम की बात करो या प्रशासन की बात करो, जिस तेज़ी से, जिस आक्रामक ढंग से उनको कंट्रोल करना चाहिए था, उस ढंग से वो कंट्रोल कर पा रहे हैं मुझे नहीं लगता। आप यहाँ के पोल्यूशन बोर्ड को उठा कर देख लीजिए, उसमें कितना काम है, अब तक आपके पास इक्विपमेंट्स पूरे हैं। रमन जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विल पावर दिखानी चाहिए, जिस तरह से आक्रामक तरीके से सरकार को अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे काम लेना चाहिए, वो लिया नहीं जा रहा, हर बार बात होती है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि चेक कौन रखेगा, क्या जनता के लोग ही आके चेक रखे, आपके डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं अधिकारी जो हैं एसी के कमरे में बैठे रहेंगे? देखिए, सिर्फ एसी के कमरे में बैठे रहें ऐसा काम नहीं हो रहा, काम इतना है। क्या क्या काम हुए हैं, अगर वो ही एक डिटेल में बता देना। सबसे बड़ा गुरुग्राम को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहती थी वो ये रहती थी कि NH8 शाम को भी का जाम रहता, उसको निजात कराने के लिए काम हुआ, वो सबके सामने। कितना पोल्यूशन रेट घटा उससे? देखिए, कुछ तो घटा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं घटा होगा, जहाँ 5-5 घंटे के जाम लगते थे वो कुछ ना कुछ तो घटा होगा। लेकिन फिर भी उसके अलावा, चाहे वो जब आप बात करते हैं कि पोल्यूशन की अवेयरनेस का, उसका भी कैंपेन हुआ पीछे, मैंने भी अपने आप एक कैंपेन। सर, आप अपनी निजी तौर पे मत बात कीजिए, आपका जो बोर्ड है हरियाणा कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड है, आपके MCG जो है जिला स्तर पर क्या हो रहा है, विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय मंत्री जी भी, नरवीर जी जो बादशाहपुर से विधायक हैं, वो भी अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता का संदेश अब उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि हर बारी दे रहे हैं। उसके अलावा CND वेस्ट को लेके एक तो प्लांट लगना था, उसका काम शुरू हो चुका है, जो कोर्ट में अटका हुआ था केस, उससे आगे बढ़ते हुए काम शुरू हो चुका है उसको करने के। दूसरा, 2 मोबाइल यूनिट्स भी लेकर आ रहे हैं, उसको हमने एक बारी देख लिया है और उसका 2 का ऑर्डर कर रहे हैं आगे, जिसको जो कंस्ट्रक्शन की साइट पर जाके उसको रिसाइकल करेगा और उससे जो है उसमें से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना। तो उसके अलावा बहुत सारे और जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे दो तीन चीजें एक सवाल में ले लो, अनिल जी कुछ कह रहे हैं। देखिए राज, इन्होंने बात की NH8 की, कि आपने NH8 का जाम कम कर दिया, उससे पोल्यूशन कम हुआ, आप कितना सहमत हैं, पब्लिक कितनी सहमत है, मुझे पूरा शक है। एक बहुत बड़ा इशू गुड़गांव में जो ऑटो रिक्शा है, उनको लेकर कितनी बार बात हुई, आप ऑटो रिक्शा को चेक कर लीजिए कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना। जब आज जब तक वैकल्पिक एक व्यवस्था नहीं देते ट्रांसपोर्ट की, तब तक आप उसको छेड़ेंगे तो पूरा शहर में त्राहि त्राहि। दो तीन चीज़ें अभी भी जो है सरहोल बॉर्डर पर आज भी पी कार्स में जाम लगता है। सर सुन लीजिए, अच्छा लगे RWA को, वो उस एजेंसी के साथ उसको कलेक्शन के लिए कर ले, इसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत सारा काम। जो राजनीतिक और जो वादे हैं और जो बातें हैं वो ना करें, ग्राउंड रियलिटी की बात कीजिए। सरहोल बॉर्डर पर पी कार्स में आज भी जाम लगता है। दूसरा, एक चीज मुझे बताइए, दिवाली से लेकर पराली तक को आप दोष मंड देते हैं। सुन लीजिए, गुरुग्राम की बात करें, सड़क पर जो डस्ट है उस डस्ट को हटाने के लिए कोई आपके पास विशेष प्रबंध है? दूसरी बात, NGT के निर्देश है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, सर सुन लीजिए, जो NGT के निर्देश है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, उनके नॉर्म्स फॉलो वहां पर हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? खुले कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें बहुत सारी जगह जो NGT के आदेश हैं कि उसको कवर करना चाहिए, वो पूर्ण तरह से फॉलो नहीं हो रहा, उसको वो एक विषय है। कौन करेगा सर उसको फॉलो? नहीं, कौन कराएगा फिर उसको? करवाएंगे। कब सर? 1 साल रह गया, 4 साल बीत गया। ऐसा है, जो 2016-17 में आई थी रूलिंग, उसके बाद उसको करने की करी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि अभाव, खुद मान रहे हैं कि हो नहीं रहा है। मैं आ रहा हूँ अभी है। एक एक कमेंट ले लूँ, मैं आ रहा हूँ जी। राजेश जी कुछ कहते हैं, सबसे बड़ी बात यही बात होती है कि जो एक राजनीतिक स्तर पर जो एक विल पावर होनी चाहिए, सरकार के स्तर पर जो विल पावर होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। और शहर जो है, आज हम शहर को गैस चैम्बर तो हम कह ही रहे हैं, असल में एक ऐसी भयानक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि थोड़ी सी हवा लेने का मतलब है ना जाने हमने कितना ऐसा धुआं अपने शरीर के अंदर दाखिल कर लिया, जिससे हम धीरे धीरे मर रहे हैं। देखिए राज्य, इस सरकार ने एक तो लोगों को जला दिया और ऊपर से उसके जड़े पर नमक छिड़क रही है। उसका मैं आपको बताता हूँ,
जो प्रदूषण है, गुरुग्राम की आबादी 1200 स्क्वायर किलोमीटर में गुरुग्राम फैला हुआ है, दिल्ली से 75% है और मात्र 15 लाख है अभी पॉपुलेशन। अगर जो 15 लाख की पॉपुलेशन में गुरुग्राम का ये हाल कर दिया इस सरकार ने, तो 45 लाख के लिए जो शहर बसाया जा रहा है तब क्या हाल होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हीकुलर पॉल्यूशन, गाड़ियों का, जो निजी गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसका प्रदूषण। पिछले 4 साल में इस भाजपा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए क्या किया? इन्होंने 550 सिटी बसें चलाने की जरूरत थी गुरुग्राम शहर के अंदर, इन्होंने मात्र 25 सिटी बसें चलाई, वो भी पूरी तरह से नहीं चल रही है। गुरुग्राम के लिए मेट्रो की DPR बन चुकी है, हुड्डा सिटी सेंटर से आगे उसका विस्तार होना था, 4 साल से वो फाइल इनके ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी, गुरुग्राम के सांसद और बादशाहपुर के विधायक बड़े बड़े ढोल पीट देते हैं मेट्रो लाने की। तीसरा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, आप देखिए, जब मानसून खत्म हुआ तो PWD मिनिस्टर ने दमगज्जा मारा था कि हम 10 दिन में सड़कों के गड्ढे भर देंगे, आप गोल्फ कोर्स रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे चले जाइए, आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चले जाइए, आप नए किसी भी सेक्टर में चले जाइए, सड़कों के गड्ढों में जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो डाल दिया गया, उससे धूल और ज़्यादा उड़ रही है, पोल्यूशन फैल रहा है। दूसरा, ये कह रहे थे इनके तुगलकी फरमान, इन्होंने कहा कि हम DG सेट को बैन कर रहे हैं। एक तरफ तो हरियाणा में बिजली सरप्लस है, दूसरा आप देखिए, चाहे औद्योगिक सेक्टर है, चाहे रिहायशी कॉलोनियां हैं, 12-12 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, लोगों को मजबूरी में जेनसेट चलाना पड़ रहा है। रुचिका जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए ब्लेम हम करते रहेंगे लेकिन इस सबके बीच समाधान भी ढूंढना चाहिए। ये सबको पता है कि अगर अधिकारी अपने स्तर पर काम कर लेते तो इस तरह की परिस्थितियां बनती नहीं, और जिस तरह के हालात गुरुग्राम में बने हैं, अगर हम दिखा दें कि गुरुग्राम उन दिल्ली NCR के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इलाकों में आता है, यानी कि हम फरीदाबाद की करें तो 326 अभी PM2.5 का स्तर है, इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें 314 है और गुरुग्राम में 374 है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर शहर दिल्ली NCR में कोई है तो वो गुरुग्राम है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको सभी को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग टैक्स भी दे रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि सरकार और सब प्रशासन करे, लेकिन समाधान क्या है, किस तरह से इस प्रदूषण से मुक्ति मिले? जी, तो मैं दो बातें कहना चाहूँगी कि सबसे पहले, जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भागीदारी दिखाई, कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जो सुचेत है और जो अपनी सेहत ठीक रखना चाहता है, अपने परिवार की देखभाल करना चाहता है कि वो भागीदारी ना दे, सब लोग दिखाना चाहते हैं। वी एक्चुअली जो हम लोग कैंपेन्स चला रहे हैं, जो हमारा समूह है सिटीजन्स फॉर क्लीन है, सिटीजन्स से बना हुआ है, वी आर सेइंग कि हम लोग वी वॉन्ट टू बी द सोल्यूशन टू द पोल्यूशन स्टोरी। लेकिन बात कहाँ आके अटक जाती है, वो ये है, सबसे पहले अगर आपको एक सिटीजन विजिलेंट का विजिलेंस का रोल करना है कि आपने आग देखी, जो लोकल ट्रिगर्स हैं पोल्यूशन के, आपने डस्ट देखी, आपने आग देखी, नॉन एडियरेंस टू द NGT नॉर्म्स जो हैं वो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप किसको करेंगे? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एजेंसीज, कहाँ आप फ़ोन करेंगे? हम लोगों ने करा है, हमने शिकायतें दर्ज करना चाहा है। आप कौन से इलाके से बोल रही हैं भाई? ये 20,000 स्क्वायर मीटर का एरिया हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के नीचे नहीं आता। अच्छा मैडम, आपने आग जलाते हुए किसी को देखा? अच्छा, सेक्शन 144 भी लागू हो गया, DC ने, सर ने करा था 2 साल पहले, आपने पकड़ा क्यों नहीं किसने आग लगाई? वो हम लोगों का काम है। पूर्व जो DC जो थे उन्होंने यहाँ तक कहा कि सिटीजन्स एक दूसरे को बोलें कि आग ना लगाएं, पोल्यूशन आप लोग फैला रहे हैं। अगर हम लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं तो पोल्यूशन का खात्मा भी हम लोग चाहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक चीज़ है जो नागरिक, हर नागरिक कर सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या करा, सेंट्रलाइज्ड इको ग्रीन का कॉन्ट्रैक्ट लाए और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, और उसके अंदर भी मिक्स्ड वेस्ट की आप कहीं भी निकल के जाइए उसका भी प्रॉपर तरीके से प्रचार नहीं हुआ है। उसमें लेड, उसमें बायोमेड वेस्ट, उसके अंदर आपका प्लास्टिक के अंदर जो कलर्स जो होते हैं, ई वेस्ट जो आपका होता है, सब चीज़ें, सब पदार्थ उसके अंदर हैं, लेड, आर्सेनिक, वो चाहे इंसिनरेटर में जले या वो लोकल एरिया पे जले, वापस वो आपका पोल्यूशन के अंदर आना है। MOEF रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, व्हाई हैव दे नॉट बीन इंप्लीमेंटेड? नंबर वन, व्हाट इज द अवेयरनेस व्हिच हैज बीन डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द पॉलिटिकल लीडर्स फॉर सेइंग कि भाई ये आपका कूड़ा है तो आप इसको मैनेज करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, पैसा आप लेते हैं EDC का, वो डाइवर्ट हुआ, लेट्स नॉट क्वेश्चन दैट,
आपकी एक नई एजेंसी बनाई आपने GMDA, उसका भी काम अभी वो लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पास हम लोग गए थे 2 दिसंबर को 50 लोगों का डेलीगेशन लेके। उन्होंने कहा प्रदूषण कहाँ है, प्रदूषण कहाँ है, हम लोग अपने फेफड़ों के अंदर झांक के दिखलाएं। यू कैन नॉट पुट अ डैम वैक्यूम मशीन इन साइड माई लंग्स एंड से कि अब हम निकाल देंगे। जितने भी आपने स्लम बस्ती, आज की बात है आई ब्लॉक में फायर ब्रिगेड को आज मैंने बुलाया, 1:30 बजे बहुत बड़ी एक आग लगी हुई थी वहीं पे, उन्होंने एक बस्ती बसाई हुई है, जितना कूड़ा है वहाँ पे रोज़ाना वो बर्न होता है। तो ये तो बात है नहीं कि किसी को पता नहीं कि ये ओपन डंपिंग साइट्स कहाँ हैं। सो व्हाई इज़ देयर नो विजिलेंस पेट्रोलिंग, व्हाई आर देयर मल्टीपल एजेंसीज़। दूसरी चीज़, अगर जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स या शहर के जो लोग हैं वो भंडारा लंगर लगाते हैं, तो सबसे पहले ग्रीन प्रोटोकॉल करिए। आए दिन आप देखते हैं कि स्टायरोफोम प्लेट्स में खाना दिया जाता है, जब वो लोकली जब वो बर्न होता है या वो लैंडफिल साइट बनवाड़ी जाएगा, स्टायरीन रिलीज करता है। स्टायरीन इज कैंसरस, व्हाई कैन दिस नॉट बी स्टॉप्ड? ग्रेटर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने करा, केरला ने करा, तो इसके लिए कोई पॉलिटिकल विल नहीं चाहिए, इसके लिए एक्शन चाहिए। वी डोंट नीड अ विल, वी नीड एक्शन राइट नाउ। सर ये एक्शन कब आएगा? एक्शन कब आएगा? एक्शन साथ साथ आता है हर आपने खुद कहा कि अधिकारी तो कर ही नहीं रहे काम, फिर कौन? मैंने ये माना है कि कहीं पे कुछ चीज़ें कम है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा। ये कह देना बहुत अच्छा है कि जी ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से एक वेस्ट मैनेजमेंट में हम घर से निकालते हैं, जब हम उसका ध्यान रखते नहीं हैं, हम अपने आप जो कूड़ा फेंकते हैं या घर से बाहर मट्टी झाड़ देते हैं, हम उसका ध्यान भी नहीं रखते। हम सिविल अमेनिटीज़ की बात करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम इतना सा ध्यान नहीं रखते कि हमारी गाड़ी छोड़िए कैसे चल रही है। हम ये बोलते हैं, हम इतना भी ध्यान नहीं रखते कि हम जब पार्क कर रहे हैं तो हम गाड़ी कैसे पार्क कर रहे हैं। आपने राजनीति करनी है, मैं आपकी राजनीति। सर सुनिए, मैं बिल्कुल इस मुद्दे को राजनीति में नहीं घसीटना चाहता हूँ, गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है सर। जब ये शहर प्लान हुआ, इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, सर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि इस शहर से पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है उसको ठीक कैसे करें। दूसरी भी आएगी कि इसमें जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात आई, जब 31 तक का प्लान बना रहे थे, वेस्ट मैनेजमेंट के कितने प्लान करे सर? उन्होंने तो गड्ढे खोद दिए, आप भरोगे ना? उन्होंने तो खोद, आप भरोगे? भर रहे हैं लगातार। ऐसे गड्ढे भर दिए, डस्ट टूट रही है, सॉलिड वेस्ट जो है आपका अरावली में डंप किया जा रहा है, अभी भी बिल्डर जो है NGT के सारे रूलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके स्तर पर 26 लाख के पाम के पेड़ लगा दिए जाते हैं और आज एक भी नजर नहीं आता। लंबी लंबी बातें हैं, एयर प्योरीफायर लगाए गए, क्या गुरुग्राम में नहीं लग सकते? देखिए, जहां तक बात है, जितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है, मैं ये मानता हूँ। रिसोर्सेज इस शहर के लोगों के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, वो रिसोर्सेज शायद कहीं और जा रहे हैं। अगर ये पहले होता था साहब, अभी नहीं होता, लेकिन मैं इतना जरूर, क्या इस बात को मान लिया जाए कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है, और अगर कमी है तो इतनी कमी है कि गुरुग्राम में पॉल्यूशन, क्योंकि बिल्कुल हेल्थ इमरजेंसी है। और सबसे पहले आप अगर कुछ लेते हैं, आप एयर अपने अंदर ले रहे हैं, अगर वही जहरीली है तो फिर आप दे कह रहे हैं शहर के लोगों। ठीक है राज, एक तो BJP का जो आदत है कि हर बात को दूसरी पार्टी पर डालो। 4 साल आपकी सरकार को हो गए, आज भी अगर कांग्रेस का रोना आप रोएंगे तो इसका मतलब आप फेल हो चुके हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पिछली सरकार ने वो नहीं किया, नहीं किया। आप ये बताएं आपने क्या किया? अगर NGT के रूल आए, कंस्ट्रक्शन जब होगी वो कवर होगी, आप ये मान रहे हैं कि नहीं हो रही? आप खुद मान रहे हैं, आपके अफसर नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अगर आज के कंस्ट्रक्शन, अगर आज की कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ निगम का बंदा मोटरसाइकिल पे जो 2 आदमी तो पहुँच जाते हैं और वो सब कुछ काम हो जाता है। वहाँ से क्या करके आते हैं वो सबको पता है, सबको पता है, वो सब काम हो जाता है। आप नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं रोड नहीं बनाई। आप जो आपकी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुड़गांव की रही है और आज भी है, कि जो जाम लगता है बार बार, आपने हाईवे की बात की, नेशनल हाईवे की, शहर के अंदर क्या हालत है? आप चाहे वो रोड पे ऑटो रिक्शा का जाम हो या दूसरा जाम हो, आपने क्या किया? नहीं मैनेज कर पाए। आप उन बातों को कीजिए ना। आपने CND की बात की, अरे भाई CND का प्लांट लगेगा, 4 साल हो गए, दस तो उड़ रही है। बिल्डर्स की बात जो आप कर रहे थे, जो आप बिल्डर्स की बात कर रहे थे,
कि बिल्डर्स पे कितना रोक लगा, नहीं हुआ। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, सर मैं कह रहा हूँ, आप सर ये बताइए, ये प्रोग्राम यही है कि जो आप आंख बंद करके सो गए हैं, आप जो आंख बंद करके सो गए हैं, आपकी आंखें खोलना चाहते हैं हम, आप ये समझना नहीं चाह रहे हैं। वेस्ट प्लांट का केस चल रहा था उस जगह का, हाँ या नहीं, आपने भी कवर करा है, बताइए। इन केस से क्या होगा, केस से जगह जगह पे रुका हुआ है, केस की वजह से क्या करोगे आप उसको? मैं इस पोल्यूशन के मुद्दे को राजनीति के स्तर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं ये एक हेल्थ के तौर पे देख रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं, आप 15 साल पीछे जाइए, 15 साल पीछे जाते थे तो हमको क्या होता था, शहरों में चुनिंदा गाड़ियाँ देखने को मिलती थी। आज की डेट में हम अगर सेक्टर्स में घुसते हैं, अगर स्पेशली गुड़गांव की बात करते हैं कि 500 गज की कोठियाँ हैं, 4-6 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, तो अगर इस पर लगाम नहीं लगाएंगे, सरकार गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा? ये तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जितना आप देखिए, यूज़ एक गाड़ी का है, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ कोठियों के बाहर खड़ी हैं, तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। अब आप ये देखिए कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, मैं ये देखता हूँ कि 90 साल का कोई पेशेंट आ रहा, क्या आप इस माहौल को देख के कह सकते हैं कि आप 70 भी क्रॉस करेंगे? सिर्फ समाधान देखिए, माइक्रो एसटीपी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट, एमसीजी, बार बार बहुत सारी जगह जहां आरडब्ल्यूएस कह रही हैं उनके साथ सहयोग में लगवा रही हैं, उनको सब्सिडी दिला रही है। दूसरी चीज़ वाटर ट्रीटमेंट की आ गई, वाटर ट्रीटमेंट के जगह भी हमने काफ़ी काम करा है और बड़े एसटीपी प्लांट भी लगा अभी मोटे तौर पे जो डस्ट है सड़कों के ऊपर डस्ट है, इसके अलावा जो आपके बिल्डर्स जो एनजीटी के, सुनिए, एनजीटी के नॉर्म्स का जो वायलेशन कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें, इनको लेकर क्या करें? राज जी, कितनी जगह मैं आपको चाहेंगे, जब भी मैं रात को ट्रैवल कर रहा होता हूँ शहर में से, मैं आपको फोटोएं खींच के भेज सकता हूँ, बहुत सारी जगह जो डस्ट उठाने वाली गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, सीवर क्लीन करने वाली लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, नई नालियाँ जो बड़ी 1200 क्यूसेक पानी ले जाने की है उसको पास कर दी। देखिए राज जी, सबसे पहले तो भाजपा के झूठ की मैं आपको बता देता हूँ, मौके पे जाके गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे वाटिका सिटी चौक से आप लेफ्ट को मुड़ेंगे, वहाँ पे जो वेस्ट है सीवर का पानी वो भी टैंकर डाल रहे हैं, नगर निगम के ठेकेदारों के खुलेआम गड्ढे वहाँ हुए पड़े हैं, गड्ढों में उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट से भर रखे हैं वहाँ धूल उड़ रही है, मौके पर जाके देख लीजिए, वो तो बिल्कुल हाई प्रोफाइल इलाका है। दूसरा, इस गुरुग्राम को विश्व, भारत का सबसे गंदा शहर बना ये 2018 में, विश्व का 11वां सबसे गंदा शहर बना ये मई 2018 में, तो ये किसकी सरकार की? बिल्डरों को जो खुली लगाम छूट दे रखी थी वो शायद कोई और देके गया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार जिम्मेदारी ले नहीं रही है, हम समझदार होना नहीं चाहते, लेकिन इस सबके बीच हो ये रहा है कि जिस शहर को अपने विकास के लिए नंबर वन होना चाहिए वो प्रदूषण में नंबर वन है, और हालात ये है कि ना केवल बच्चे, ना केवल बूढ़े, हर कोई इस प्रदूषण से जूझ रहा है और धीमी मौत की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, आप कहीं मत जाइए, प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।